तू जरा पानी लिए रहो यार, इतना अंदर हो गया है मेरा लाइट। अगर पेंट हो तो अगर थोड़ी ठीक हो रही है, थोड़ी बात ठीक हो रही है, तो ये तो देखो लोग तो देख रहे हैं। हां मुझे चला जाना है उसके बाद। मैंने इस सारे चीज में थोड़ी कैरेक्टर देख रहे हैं, थोड़ी हम तीनों पेड़ा और कर रहे हैं, हमारे कभी बात कर रहे हैं, हम भी चले रहे हैं, पर ये हमारे लिए पहले ही थी बिकॉज कि इसमें हम लोग ऐसा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये लोग तो पूछ नहीं रहे। आप अपने माँ की बेटी बनी तो आपने बहुत सारी जिम्मेदारियों का सामना नहीं करना पड़ा, आपके खुशी के लिए आपके माँ नहीं है। जब आप माँ बनी तो आपको कैसा महसूस हुआ? हम थोड़ा देर ये है कि मेरे माँ को कभी तकलीफ किया है, मैंने भी बहुत सारी चीजें कर ली है उसके लिए। माँ को मैं सॉरी कहना चाहूंगी, सॉरी कहने से कुछ सॉरी कहना चाहूंगी। बहुत ही मुझे दर्द हुआ, प्रीतम उन्होंने इतना स्ट्रगल करके इतनी मेहनत करके हमारी बेटी को यहाँ आईपीएल तक बनाया और उसके सामने इतना जवाब दे दिया, उससे मुझे बहुत हर्ट हुआ। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम अपने माँ बाप के लिए इतना काम करते हैं, हमारे लगता है कि हमारे खुशियों के लिए हमारे माँ बाप नहीं करते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर माँ बाप उस बच्चे को दिखाए कि जब तुम जवान हो गए तो आज तुम्हें ये लगता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं किए, लेकिन जब तुम माँ बाप बनोगे तो तुम्हारे लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। जिस जगह पे हम खड़े होते हैं उस जगह पे हमारे माँ बाप हमें हमारे लिए क्या सोचा है तब हमें समझ में आता है, जब हमारे अपने औलाद होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने औलाद को जरूर दिखाएंगे, अगर इनकी औलाद की सेवा को लेकर अपने माँ बाप का त्याग स्वीकार किया और अपने माँ बाप का सेवा करने लगा कि शायद ही हमारा सिनेमा बनाना। और माँ बाप ये भी समझ में आता है कि हमारे पिता और हमारे माँ बाप कैसे हमें पाले होंगे और कैसे हमारी हर उस खुशी के लिए मरे होंगे।